सुवासरा उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आज अनूठे अंदाज में किया चुनाव प्रचार। हाथों में तख्तियां लेकर निकाली प्रभात फेरी। शामगढ़ में आज अल सुबह मतदाताओं को रिझाने कांग्रेस पार्टी द्वारा अनूठे अंदाज में प्रचार प्रसार किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तख्तियां लेकर ढोल मजूरों की धुन पर भजनों के रूप में मतदाताओं को आकर्षित करने और अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया गया। जैसे जैसे चुनाव मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आकर्षित करने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, मगर राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने और मतदान करवाने को लेकर किसी भी प्रयासों से परहेज नहीं कर रहे हैं। शामगढ़ से संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। जो 35 करोड़ में जो विकास 35 करोड़ क्या तो मामूली 35 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब मंत्री बनने के बाद में साइन की 15 करोड़ 10 करोड़ जो बिका है, जो बेंगलोर में जाके होटल में बिका है, उसके विरोध में जो शामगढ़ में जनजागरूक रैली निकाली जा रही है, ये हम रोज प्रातः सुबह 6:30 बजे से निकालेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? ऋतिक पटेल। क्या किस संदेश को लेकर रैली निकाली जा रही है? जिस प्रकार से सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के मत का सौदा किया गया, बेंगलोर की होटल में हमारे मत की बोली लगाई गई और सुवासरा विधानसभा की जनता का अपमान किया गया, उसके विरोध में आज हमने जागो रे शामगढ़ जागो 35 करोड़ का हिसाब मांगो स्लोगन के साथ में शामगढ़ में जन जागरण यात्रा निकाली है। जागो रे जागो रे जागो 35 करोड़ का हिसाब खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप TV चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।